बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? जी स्टूडेंट्स, आप तमाम स्टूडेंट्स का इंतज़ार हुआ ख़त्म। आज आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आई हूं, और ये इंट्रोडक्शन वीडियो है आपकी बच्चे। इसमें आपको जो चैप्टर्स बताऊंगी, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 16 आपने जैसे कि 9th क्लास में पढ़ा, और चैप्टर नंबर 17 से लेकर ये आपके आगे के चैप्टर्स हैं। और जो हमने अपने ग्रुप में भी स्टडी करवाया, तो मुझे थोड़ा सा था दिमाग में, थोड़ा एक्सपीरियंस भी था कि इंशाल्लाह ताला वेरिएशन वगैरह ये सेट्स का टॉपिक जो है वो ज़रूर होगा। तो आप देख लीजिए, चैप्टर नंबर 17 में आपके पास यूनिट 17 जो है वो सेट्स एंड फंक्शन का सेट है, और चैप्टर यूनिट 18 में आपके पास वेरिएशंस है, और यूनिट नंबर 19 में आपके पास मैट्रिसेस एंड आपके पास जो है वो डिटरमिनेंट है। ठीक है जी, आगे आ जाइए। आगे आपके पास जो है जो चैप्टर नंबर 20 में थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यूनिट नंबर 21 में आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन है, यूनिट नंबर 22 में बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, कोई मीन मीडियन मॉड और इस तरह के सारा जो है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह होगी, वेरिएंस एंड डिवीजन वगैरह। अच्छा जी, आ जाते हैं यूनिट नंबर 23 पे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है जी, अब मैं आगे बता देते हैं आपको चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 24, और यूनिट नंबर 24 में आपके पास कौन कौन से जो है वो टॉपिक हैं। अच्छा जी, यूनिट नंबर 24 में आपके पास जो है वो रेशो एंड प्रोपोर्शन है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और इसके अंदर जो है चैप्टर नंबर 25 में आपके पास कॉर्ड ऑफ अ सर्कल है। अच्छा, जो पहले वाली बुक थी ना, उसमें बच्चे क्या था, वेरिएशन, और में जो चैप्टर था उसमें ही रेशो प्रोपोर्शन का उसमें दे दिया था, और आज की जो बुक है उसमें रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, मज़ेदार टॉपिक है बहुत, रेशो प्रोपोर्शन का। अच्छा जी, ये यूनिट नंबर 24 का नाम दे दिया गया है इसको, यूनिट नंबर 25 में कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, और यूनिट नंबर 26 में टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, यूनिट नंबर 27 में कॉर्ड एंड एरियाज। ठीक है जी, आगे आ जाइए यूनिट नंबर 28 में, ये सब आपका जो है सेक्शन सी का पार्ट कवर करेगा और एमसीक्यू से रिलेट होगा इंशाल्लाह, और सेक्शन बी में भी देखा जाएगा इंशाल्लाह ताला। अभी मैं आपको जैसे जैसे मैं सीरीज स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों को गाइड करती रहूँगी इंशाल्लाह जबरदस्त, कि कौन सा टॉपिक जो है वो सेक्शन बी में आने वाला है, कौन सा सी में आने वाला है, किस तरीके से आपका पेपर आएगा। देखिए, पैटर्न पेपर तो आपका वही रहेगा जो 9 में था, 40% MCQs, फिर 40% सेक्शन बी, फिर 20% जो है वो आपका सेक्शन सी, सॉरी 40:40:20 का रेशो है ना, 40:40, और सेक्शन सी जो है डिस्क्रिप्टिव जो है वो 20 का था ना, तो उसमें आपके पास जो है पहले तो थोड़ा मेन चीज़ आपके पास थ्योरम्स होगा, सर्कल के होंगे इस दफ़ा इंशाल्लाह, तो वो करेंगे, बाकी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और कुछ ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से है। तो आगे देख लीजिए यूनिट 28 में क्या, एंगल ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अच्छा जी, यूनिट नंबर 29 में है आपके प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स। अच्छा जी, यूनिट नंबर 30 में आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, बहुत मज़ेदार टॉपिक हैं इंशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ईजी टॉपिक से ईजी लग रहा था, एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह ज़बरदस्त ईजी ही होंगी, और मेहनत करनी है आप लोगों ने, परेशान नहीं होना। बच्चे जो बड़े परेशान थे हमें, साफ फटाफट हमें पीडीएफ देने, बेटा थोड़ा वेट कर लें, इंशाल्लाह पीडीएफ भी आप लोगों को इसका दे दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से, वेबसाइट पर एक दफ़ा ये आ जाएगी, तो कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है, तो हम आप जो जो अपडेट आती जाती है वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करते रहते हैं। ठीक है मेरा बच्चा, इंशाल्लाह पीडीएफ आते ही मैं प्रॉपर प्रोसेस कर उसको ड्राइव पे पेस्ट कर दूँगी, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दिया जाएगा, ये एक वीडियो बना देंगे आपको समझाने के लिए, और आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हैं। आप लोग परेशान ना हो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करें, और कमेंट नहीं करते आप लोग, बताते नहीं हैं कि मिस आपको मेरी वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा होता भी है कि नहीं होता, तो बेटा थोड़ा सा आप लोग एक कॉमेंट कर दिया करें, थोड़ा इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और दिल चाहता है कि आप लोगों के लिए बेहतरीन इस तरह की वीडियोज़ बनाते रहें और आप लोगों को गाइड करते रहें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। इस वीडियो को अपने एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने रहे आपके पास जैसे रिलेटिव ग्रुप रेवलेंट ग्रुप्स मौजूद हैं वहाँ तक जो है आप इसको शेयर कीजिए, हमें आप तमाम बच्चों के सपोर्ट की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह जवाजल जो है इसके पीडीएफ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।